शादियों में लिफाफे देना अबू मोहम्मद मुल्तान से पूछते हैं मैंने बेटी का निकाह और रुखती सादगी से मस्जिद में करना है जहेज़ बारात और खाने का भी कोई तस्वूर नहीं है मैं एक और रस्म का खात्मा करना चाहता हूँ कि शादी के मौके पर जो सलामी या हदिया की रस्म है मैं ये पेशगी लेने से माजरत करना चाहता हूँ क्या मेरा यह तर्ज अमल सही होगा जबकि लोग कहते हैं कि तोहा देना तो सुनत से मोहब्बत बढ़ती है तोहफ़ा सुन्नत है वो तोहफ़ा जो दिल की खुशी से हो आजकल जो शादियों में लेन देन हो रहा है वो दिल की ख़ुशी बहुत ही कम होती है सबको पता है कि ये तो देना ही है ये तो जुर्माना है जो आपने देना है उसने हमारी शादी में इतने दिए थे तो हम उसकी शादी में इतने दें तो इसलिए ने बहुत पहले इस पर बहस की है अलामा शामी ने इसको नाजायज़ लिखा है और ये नेवता की रस्म कहलाती थी पहले लिफाफे बाकायदा तबादला होता है कि आपने इतने दिया तो आपकी शादी में भी हम इतना देंगे तो ये ग़लत रस्म है ये तोहफ़ा इससे मोहब्बत बढ़ती भी नहीं है आप देखें बाद में भी बैठ के तबसरे हो रहे होते हैं कि उसने इतने थोड़े दिए हमने तो उसकी शादी पर इतने दिए थे उसने हमारी शादी पर इतने से क्यों दे दिए और एक बोझ होता है लोगों को यानी इतना कुछ जमा हो जाता है कि वलीमे के पैसे पूरे निकल आते हैं उसमें तो ये कहाँ से तोहफ़ा हो गया तो इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह बड़े ख़ानदानी काम कर रहे हैं कि आप सादगी से निकाह कर रहे हैं अपनी बेटी का और तोहफे के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं बहुत अच्छी खानदानी किस्म की पाबंदी है ये आप लगा दें जिसने देना है बाद में वो आके दे दे तोहफा तोहफ़ा तो तोहफा होता है लेकिन उस मौके पे जो आजकल दिया जाता है वो एक जुर्माना समझा जाता है एक लाजमी रस्म समझी जाती है देने वाला मजबूर होता है उसे पता है कि मैंने नहीं दिया तो लोग ये यानी इसके दिल में मैं बुरा हो जाऊँगा तो ऐसी सूरत में इससे इजतनाव करना चाहिए अल्लाह ताली आपकी बच्ची का घर बसाए और उसको खुशियाँ नसीब फ़रमाए